गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट टू। पार्ट वन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पहले हमारा पार्ट वन देख लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं पार्ट टू। पार्ट वन में हमने पढ़ा था डिफरेंट नंबर जो हैं, अपने आगे रियल नंबर आ गए, इमेजिनरी नंबर आ गए, नेचुरल नंबर, इंटीजर वगैरह एक्स्ट्रा, ये सारे नंबर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, तो एक से लेके दस तक के नंबर का हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। उनको आपको क्या है, पहले उनको लर्न करना पड़ेगा, और बीच में मैं कुछ जो ट्रिक्स थी आपको बताई थी, जिससे आपको लर्न करने में आसान हो जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट। इसका क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा इसको निकालने के लिए, जितने भी एग्ज़ाम हैं एक क्वेश्चन इसका पक्का आता है। तो क्या है यूनिट डिजिट कंसेप्ट? कोई भी फिगर, कोई भी नंबर आपको दिया होगा, जैसे मान लो आ गया 4, 3, 2, तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा है? तो इसका यूनिट डिजिट है 2। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। मैंने अभी कुछ एग्जांपल ली है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे, तो आपको इनके क्या है यूनिट डिजिट बताने हैं। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा, इनको निकालने की एक ट्रिक होती है। इतनी लंबी फिगर को आप सॉल्व करोगे तो पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक मिनट होता, एक मिनट आप दे सकते हो एक क्वेश्चन को। तो आपको क्या है, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उसके लिए ट्रिक्स जो हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। अभी जैसे ये एग्जांपल हैं, ये बेसिक टाइप हैं जो पेपर में आती हैं, तो अभी वन बाय वन हम इनको करेंगे। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया 26 + 4 = 52 + 2 = 71, तो आपको फाइंड आउट करना है इसका यूनिट डिजिट। तो कैसे निकालोगे? आपको पूरी फिगर का को प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है। 26 का क्या है, हमने 6 ले लिया, प्लस 452 का यूनिट डिजिट क्या है, 2 ले लिया, प्लस 271 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 वो ले लिया। इनको प्लस करके आपका क्या वैल्यू आ रहा है, 6 और 2 = 8, 1, 9, तो 9 हमारा आंसर आ गया। ये है इसका आंसर। तो यूनिट डिजिट जो क्वेश्चन नंबर 1 का है वो है 9। सिमिलरली सेकंड केस में क्या है, हमको दिया गया है 1, 2, 4, 6, 8 + 9, 6, 5, 2, 8, 4, इसका भी हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो 1, 2, 4, 6, 8 का यूनिट डिजिट आ गया 8 + 9, 6, 5, 2, 8, 4 का यूनिट डिजिट आ गया 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट है 2। ठीक है, सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 6 ले लिया, 96 का 6 और 83 का 3 ले लिया, इसका आ रहा है 18, तो यूनिट डिजिट क्या है, 8। सिंपल, तो बेसिक है। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें क्या है, यूनिट डिजिट 6 है, -2, 5, 2, 5, 2 का यूनिट डिजिट 2 है, आ गया 4, सिंपल है। इसी तरह नेक्स्ट, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो नोट कर सकता है कैसे हम निकाल लें। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 156 का यूनिट डिजिट है हमारे पास 6, और 159 का यूनिट डिजिट है हमारे पास 9। अब यहाँ पे देखो 6-9 आ रहा है, पर आपको क्या है, जब भी ऐसी आपको वैल्यू मिलती है तो आपको इसके पीछे 1 लगा देना है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, 7। इसका आंसर माइनस में नहीं होगा, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 5 raised to power 3, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लो, 5 multiplied by 5 multiplied by 5, 5 5 जा 25 5, फिर अभी इसका लेंगे, इसका 5 5 इक्वल टू 25, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5। सिंपल सिंपल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 7 raised to power 49, ओके, 7 सिंपलीफाई कर लो, 7 7 7 7 7 जा 49 49, ओके। अब ये वाला 9 ले लिया, यूनिट 9 9 जा 81, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, 1। सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बहुत इजी है, ये तो बेसिक है। 81 का आएगा 81 81 81, तो 1 1 का 1 into 81 into 1, तो क्या है, यूनिट डिजिट आएगा 1। ये था हमारे पास बेसिक टाइप, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें किसी भी प्रकार की ट्रिक की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, ये आप आराम से कर पाओगे। अभी हमारे पास जो आती है टाइप 2, इसके ऊपर ध्यान देने की बात है। अगर कोई भी, अगर एक्स रेज टू पावर एन, कोई भी एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, 0 1 5 6, अगर एक्स की वैल्यू में 0 1 5 6 है, उसके nth में एक्स रेज टू पावर एन, एन में क्या है, कोई भी वैल्यू है, तो डिफरेंट के लिए अलग होगा। जैसे मानो एनीथिंग, जैसे 0 raised to power n, तो 0 की रेज टू पावर n होगी, n में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 raised to power 1 3 5 ले लो आप, हैं 0 raised to power कुछ भी लोगे तो क्या आएगा, 0 raised to power anything, तो 0 आएगा, सिंपल 0 आ गया हमारे पास। एनीथिंग रेज टू पावर n, मतलब कि 1 की रेज टू पावर में कुछ भी रहेगा तो 1 आएगा, ये भी आपको पता है। अब 5 के केस में क्या है, 5 के केस में भी यही सेम है, इसकी भी nth में कोई भी वैल्यू होगा, 5 raised to power n, n कुछ भी हो सकता है, तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अगर 6 raised to power n है, जैसे 6 raised to power 2 है, तो 6 into 6 क्या होगा, 6 into 6 क्या होगा, 36, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6, ओके, तो ये भी हो गया, ठीक है। 0 1 5 6, अगर इनकी रेस, अगर इनके एन में, जैसे 0 1 5 6 अगर एक्स में है, एन में अगर कोई भी वैल्यू है, तो 0 के केस में 0 आएगा, 1 के केस में 1 आएगा, और 5 के केस में 5 आएगा, और सिमिलरली 6 के केस में 6 ही वैल्यू आएगी,
तो सिंपल है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ, इसमें एग्जांपल से हमको पूरा पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, फाइव थ्री सिक्स रेज टू पावर 13 प्लस 3685 रेज टू पावर 45। देखने में आपको एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगेगा, अगर आपने इन कंसेप्ट के बारे में आपको नहीं पता है, तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन जब आपको आ जाएगा तो आप इसको छोड़ के आ जाओगे, क्योंकि देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है। इसको बिना ट्रिक से कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। बट अगर आपने रूल पढ़ा है तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या करना है, इसको सोल्यूशन क्या है इसका, 6 है, 6 के n में कोई भी वैल्यू होने से क्या आएगा, 6 ही आएगा, सिंपल हो गया। प्लस 3685 के केस में सिमिलरली 5 है यूनिट डिजिट में, उसकी रेज टू पावर में कुछ भी होगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। कितना हो गया, 6 प्लस 5 11 हो गया। तो यूनिट डिजिट क्या है, 1 यूनिट डिजिट होगा। कितना सिंपल हो गया दोस्तों, अगर आपको एक कंसेप्ट पता होगा तो आप सिंपली इसको निकाल सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है 5611 रेज टू पावर 1243 प्लस 666 रेज टू पावर 495। सेम वैसा ही है, हमको पता है यूनिट डिजिट में क्या है, 1 है। अगर 1 यूनिट डिजिट में है, इसकी रेज टू पावर में कुछ भी वैल्यू होगी तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। प्लस 6 है, यूनिट डिजिट में 6 है, 6 रेज टू पावर 495, कुछ भी रहेगी तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है यूनिट डिजिट क्या है, 7 आएगा। सिंपल है दोस्तों। अब चलते हैं पार्ट 2, जो टाइप 2 है। 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, अब 9 और 4। 9 और 4 में थोड़ा डिफरेंस है, यह मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अगर यूनिट डिजिट में 9 है, अगर हमको कोई वैल्यू दी गई है, मान लो जैसे 3, 4, 9, अगर यूनिट डिजिट में 9 है तो इसके दो केस हैं। इसकी रेज टू पावर में अगर दिया है हमको, अगर 8 वैल्यू होगी, अगर 3 होगा, मान लो 3 है, 3 क्या है, ऑड है, तो इसका क्या है, यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 ही होगा। अगर इसके यूनिट डिजिट में इवन होगा, 2 होगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1। बस यही मैं ऊपर लिखा है, इफ यूनिट डिजिट इज 9, दैट इज 9 रेज टू पावर n, फॉर n इक्वल टू 8 इक्वल टू 9, अगर n 8 है तो 9 होगा, अगर n इवन है तो 1 होगा। और इन केस ऑफ 4 के केस में क्या होगा, 4 के केस में अगर n, दैट इज 4 रेज टू पावर n, अगर ऑड है तो 4 आएगा, अगर n इवन है तो 6 आएगा। मान लो 4, 6, 4, 6, 4, रेज टू पावर में अगर आपके पास 23 है, तो 23 क्या है, 8 है, 8 के केस में 4 ही आएगा। अगर रेज टू पावर में 22 है तो आएगा 6, दैट्स इट। कितना सिंपल है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो हैं टाइप 2 के कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसमें दिया है 9464 रेज टू पावर 467 इंटू 9566 रेज टू पावर 456।
ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिल जाता है और अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो 101% ऐसे क्वेश्चन को बच्चे पेपर में छोड़ के आ जाएंगे। इसको निकालना बहुत मुश्किल है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है इसको निकालना, बट अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपके लिए सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है जो क्वेश्चन हमको दिया है, 9464 raised to power 467। तो 9464 का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, 4 है रेस्ट टू पावर 467। तो इसमें कौन सी वैल्यू दी गई है, इसमें वैल्यू जो है 467 क्या है, ऑड है। और जो हमने रूल ऊपर पढ़ा, 4 के अगर पावर में 8 टर्म है तो हमको जो यूनिट डिजिट है वो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और 9566 है, 6 में 6 का केस हमने जो ऊपर पढ़ा था आपको पता होगा, 6 के केस में क्या है, इसकी पावर में कोई भी वैल्यू कुछ भी रहेगा तो हमको 6 ही मिलने वाला है यूनिट डिजिट में। ये आ जाएगा 24 और इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4। कितना सिंपल हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। नाइन का केस हमने ऊपर पढ़ा, नाइन का केस क्या है, 8 है तो 9 आएगा, इवन है तो क्या आएगा, अगर इवन है तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा दोस्तों 1। ठीक है, 4 के केस में क्या है, 4 के केस में अगर इसकी पावर में कोई हमको ऑड वैल्यू मिलती है तो क्या मिलेगा, हमको 4 मिलेगा। ठीक है, और 5 के केस में क्या है, 5 ही मिलेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी हमको, 20, और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। कितना सिंपल है। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 3। टाइप 3 जो है, ये जो है टाइप 3, यही मेन जो है टाइप 3 है। ठीक है, बाकी जो था सिंपल था, पर इस केस में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर यूनिट डिजिट में हमको 2, 3, 7, 8 मिलता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको जो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 दिया है इसकी मदद से मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है जिसकी यूनिट डिजिट में 2 या 3 या 7 या 8 ऐसा मिलता है तो उसको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2, 4, 2 raised to power 79, 79 जो है इसको क्या करना है, 79 को आपको लेना है, 79 को हमने ले लिया, 79, और इसको डिवाइड करना है 4 से, सिंपली 4 से डिवाइड कर देना है, 4 1 जा 4, ये आ गया 39, 4 4 जा 4 9 जा 36, और हमारे पास आ जाएगा 3 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर आ गया। सिंपली आपको क्या करना है, 79 को सॉल्व किया, 79 को हमने सॉल्व किया और 79 को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद हमको रिमाइंडर क्या मिला, 3। अब इस 3 को आपने क्या करना है,
इसको क्या करना है आपको, टू एज इट इज लिख देना है। जब हमने 79 को 4 से डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर क्या मिला था, 3 मिला था, तो सिंपली 2 रेज टू पावर 3 लिख देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। और 8 क्या है इसका, 8 जो है ये है यूनिट डिजिट। कितना सिंपल है। अभी सिमिलरली 2 का केस देख लिया, अब हम 3 का केस देखते हैं। 3 के केस में क्या है, सेम 54 को हम पहले लेंगे। सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं 93 जो है 3 हम लेंगे। अब 54 है तो 54 को सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 वन ज़ा 4 अभी हमें क्या है, अभी हमें रिमाइंडर मिला है 2। इस 2 को इधर लिख लेंगे और ये 9 जो है ये आपका आ गया यूनिट डिजिट। 2 का केस हो गया, 3 का केस हो गया, 7 का केस भी सिमिलर है, सिमिलर ऐसे ही करना है। डिवाइड हमको क्या करना है, पावर का जो पावर में कोई वैल्यू होगी उसको 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर से उसको क्या कर देना है, उसका जो रिमाइंडर में आएगा उसको उसके स्क्वायर रूट में, उसके स्क्वायर में लिख देना है। जैसे 3 रिमाइंडर 2 आया, 3 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया और 9 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमारे पास क्या है, 8 है, इसकी रेस्ट टू पावर में है 41925। इतनी बड़ी वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट के दो डिजिट को लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 64 जा 24, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके रेस्ट पावर में आ गया 1818 ही इसका है, तो 8 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। कितना आपको सिंपल लगा होगा, सिंपल कैसे हो पाया, सिंपल हो पाया जब हमने इसके रूल पढ़ लिए। अगर ऐसे हमको रूल पता नहीं होंगे तो हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो ये बेसिक जो टाइप है, मैंने आपको बेसिक टाइप पढ़ाया, फिर एक टाइप 1, टाइप 2, 3, ठीक है, ये मैंने आपको कुछ बताया। अब इसकी प्रैक्टिस करिए और इसके क्वेश्चन लीजिए और प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ये आ सके, प्रैक्टिस हो जाए फुल। जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपके लिए और भी इजी हो जाएगा इनको निकालना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो टाइप आएगी उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो पहले जो इसकी वीडियो मैंने डाली है उसको भी देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।